So hey guys, welcome back to my YouTube channel again. As you all know, my name is Himanshu and I have recently cleared IBPS clerk exam and got selected in Punjab National Bank. तो आज RRBPO का प्री का स्कोर कार्ड आउट हुआ था उन बच्चों का जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ, जिनका प्री क्वालिफाई नहीं हुआ. तो मैं बताता हूँ मेरे कितना मेरा क्या स्कोर है. मेरा मतलब जो अटैम्प्ट थे वो थे आई गेस रीजनिंग में 34 और मैथ्स में 23. टोटल मेरे 57 अटैम्प्ट थे और जो मेरा स्कोर है वो है रीजनिंग में 34 आउट ऑफ 34, बिल्कुल ठीक है, करेक्ट है सब. और मैथ्स में दो क्वेश्चन गलत हैं तो 21.5, तो जो मेरा स्कोर है वो 21.5 है और दो स्कोर जो है वो 55.5 है. इतना तो कट ऑफ इतनी हाई गई है या नॉर्मलाइजेशन, मतलब मेरे जो शिफ्ट थी उसमें नहीं हुआ नॉर्मलाइज स्कोर, मतलब मार्क्स बढ़े नहीं हैं. हो सकता है मार्क्स कम हुए हों, कुछ हुआ हो, बाकी स्टूडेंट्स का मेरे को आइडिया नहीं है क्योंकि मैं अभी यार इन सब चीज़ों में इतना हूँ नहीं इन्वॉल्व जितना लास्ट ईयर था. अब मैं एग्ज़ाम देता हूँ, देखता हूँ कि क्या रिज़ल्ट आया, ये नहीं चेक करता कि कैसा बाकी लोगों का क्या रहा, क्या उसके एनालिसिस रहे. तो बस यही था स्कोर कार्ड, तो शेयर क्या ही करना, मतलब स्कोर बता दिए, ये मेरे 55.5 स्कोर है. वैसे भी मेरे को लगा ही था कि नहीं होगा, तो बस लेट्स होप कि अब IBPS PO या SBI PO की एग्ज़ाम दें और उनको क्रैक करें. बाकी जिनका हो गया उनको कंग्रेचुलेशंस और वेरी गुड लक. आपका मेंस है आई गेस 1st of October को और उसके लिए अच्छे से प्रिपेयर करो. कुछ 10-12 ही दिन रह गए अब तो, 10-12 दिन भी कहाँ, 10-11 ही दिन रह गए, 10 दिन आई गेस, हाँ 10 दिन रह गए. तो अच्छे से पढ़ो, GA पे इतना फोकस मत करना क्योंकि GA हर बार खराबी आती है तो लोग टाइम वेस्ट करते हैं उस पर. मतलब जितना आपने पढ़ रखा उतना ही है, ज़्यादा कुछ यूँ मत सोचना, ये भी पढ़ लूँ वो भी पढ़ लूँ. बाकी अपने जो कोर सब्जेक्ट्स हैं मैथ्स और रीजनिंग उनको स्ट्रॉन्ग रखो, उनको अच्छे से करना वहाँ पे अटैम्प्ट. और कंप्यूटर RRB में थोड़ी डिफ़िकल्ट आती है, उस पर भी ध्यान देना, बाकी तो हो जाना है अच्छे से. एंड बेस्ट विशेस टू ऑल.